तो दोस्तों देखते हैं मैं यहाँ सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं। मतलब सांप दिखा में डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जंगल के अगले पार्ट में चलते हैं बनाने वास्ते और शेल्टर ढूंढते हैं कहाँ रहेंगे। अब हमें जगह मिल चुकी है, यहाँ पे बनाते हैं शेल्टर। तो दोस्तों बैठ चुके हैं और बहुत थक गए हैं, टाइम बहुत हो चुका है, चैलेंज कंप्लीट करना है हमने। जैसे मर्जी दोस्तों आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों मैं चैलेंज करने वाला हूँ 12 आवर फॉरेस्ट चैलेंज। तो दोस्तों मुझे कहीं फॉरेस्ट मिल नहीं रहा था, मैं हिमाचल मासी के आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट है पूरी जगह। तो दोस्तों देखते हैं मैं यहाँ सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं, या मैं चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं, बहुत डर लग रहा है। देखते हैं जैसा होगा दिखा दूंगा आपको व्लॉग में, एंड तक जरूर बने आना। और चलते हैं आगे फॉरेस्ट में और दिखाते हैं आपको आज। तो गाइस बैग सामान तो लेके आया हूँ, देखते हैं बहुत जरूरत पड़ेगी आसमान की, खाना भी है यहाँ पे, कपड़े कहीं फट ना जाए, कुछ ना हो जाए, और जानवर से बचना है मुझे, और सर्वाइव भी करना, मतलब रहने का ढूंढना है कि शेल्टर कहाँ पे बनाऊँ मैं, वो देखते जैसा होगा चलते हैं दिखाते हैं आपको। पहली बार करो चले अकेला, वो भी डर लग रहा, बस कैमरामैन साथ में भाई। तो देखते हैं कैसे करता सर्वाइव आज। दोस्तों घने जंगलों की शुरुआत हो चुकी है, लेके चलते हैं वो अंदर और दिखाते हैं कैसे सर्वाइव कर पाता हूँ मैं। लेट्स गो। दोस्तों चली जा रहे हैं, लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी, मिली नहीं कहीं साफ सुथरी, ऐसी ऐसी लकड़ियाँ मिल रही हैं। देखते आगे। और दोस्तों जब हम थोड़ी आगे आए ना, मैं पीछे जाते हुए नाग दिखा, मतलब सांप दिखा हमें, जंगल से निकलते हुए थोड़ी सी कच्चा रास्ता बना हुआ यहाँ पे, उसमें रोड में से निकलते गया कच्चे रास्ते से सांप, शुक्र में पहले दिख गया, बच गए। डर लग रहा है यहाँ जंगल मतलब फॉरेस्ट में से वाजी भी आ रही है। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ डर लग रहा है, कुछ हो सकता है, जो रात होगी ना और तो ज़्यादा डर लगेगा। तो फटाफट निकलते हैं आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी करेंगे, वरना फिर रात रुकने वास्ते दिक्कत हो जाएगी। लकड़ियाँ मिल चुकी है, देखते हैं रात वास्ते काम आएगी, आगे चलते हैं, क्योंकि इस एरिया में जंगल के बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जंगल के अगले पार्ट में चलते हैं कोई और लोकेशन में आ जाओ। दोस्तों बहुत थक चुका हूँ, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चल चल के बहुत थक जाऊँ, हिम्मत हार रहा हूँ, बैठ जाता हूँ वैसे, और पीछे झाड़ियाँ और पेड़ वैसे बहुत है बैठने, पेड़ों के पास बैठने पर यहाँ झाड़ियाँ बहुत है, कीड़े मकोड़े सांप कुछ भी हो सकता है, पर आप सबके लिए सर्वाइव करना पड़ रहा है। 12 घंटे रह के जरूर दिखाऊँगा, बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, चल नहीं हो रहा, अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी देखना है, खाना भी है और बहुत प्यास लग रही है, गर्मी तो इतनी है, पूछो ना। बैग में देखें तो कि क्या क्या लेके आऊँ खाने वास्ते, क्या खाने कुछ मिलेगा नहीं, और जैसा आकर दिखा दूँ, क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला है, सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया तो रहना मुश्किल हो जाएगा, रात को कैसे सर्वाइव करूँगा मैं। तो इस कारण चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करके।
तो दोस्तों फटाफट निकलते हैं यहाँ से और ढूंढते कुछ बनाने वास्ते और शेल्टर ढूंढते हैं कहाँ रहेंगे। आ जाओ फटाफट निकलना पड़ेगा। अच्छा बहुत बड़ा जंगल है, पता नहीं कहाँ रास्ता मिलेगा और कहाँ रहना पड़ेगा, सब दिखाते हैं आपको। आ जाओ फुर्ती लानी पड़ेगी, लकड़ी मिल गया। आ जाओ दोस्तों, फाइनली चल चल के जंगल में मुझे पानी का झरना मिल चुका है, देख सकते हैं आप है। दोस्तों मेरी आवाज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना थक चुका हूँ और पसीने बहुत आ रहे हैं। तो अब चलते हैं नीचे झरने के पास, मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ी देर पैर डुबो के बैठते हैं आ जाओ, और सेफ्टी अपने हाथ में है, आराम आराम से चलेंगे, वीडियो तो बनती रहेगी। आज दिखाते हैं आपको। गिरते गिरते बच गया। बहुत स्लिपरी है, बैग उतार देते हैं। दोस्तों झरने के पास बैठा हुआ था मैं, मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि ठंडा पानी इतना था ना, और क्योंकि शुद्ध पानी ऊपर से आ रहा था झरने से, तो मैं ही आ गया, हाथ पैर धोए, मुंह भी धोया, और जो स्वाद यहाँ बैठने का था ना वो कहीं नहीं था जंगल में। तो थोड़ी देर रिलैक्स करा यहाँ पे और खड़े होके, और यहाँ स्लिपरी है, डर लगता है गिरने से, फिर बच गया था, और यहाँ खड़े होके नेचर का मजा लिया आनंद। तो दोस्तों बहुत प्यास लग रही है, पानी पीते हैं। शुक्र पानी लेके आ रहा पीने वास्ते। ऐसे मेरे साथ कैमरामैन अंकित को लेके आया हूँ साथ में, तो चलते हैं अब बनाते हैं टेंट, जो मैं सामान लेके दिखाता हूँ आपको जाके आगे जाके। लेट्स गो चलते हैं आगे, मिलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या सामान लाया मैं टेंट बनाने वास्ते और कहाँ बनाते हैं वो दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हमें जगह मिल चुकी है, यहाँ पे बनाते हैं शेल्टर, देखते हैं जैसे बनता है। बैग में सामान गया वो दिखाते हैं आपको, और ये देख सकते हैं आप, तरपाल ली थी हमने, अंकित जो दूसरा बैग था बड़ा उसमें बैग में रखी हुई थी हमने। तो अब करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों पानी बोतल थी ये, पर पानी थोड़ा ही रह गया। खाने के लिए चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये चीज़ें लेके आए हैं। खाने चीज़ें इसलिए लेके आए कि खाने चीज़ें ज़्यादा जरूरी होती है सर्वाइव करने वास्ते और रहने वास्ते। रहने वास्ते तरपाल है, देखते हैं जो बनता है तो दिखा देंगे आपको। और खाने के लिए आई कि 12 घंटे तक इसलिए हमारी भूख पूरी हो जाएगी, तो इसलिए हम कम सामान लेके आए खाने वास्ते। तो कोशिश करते हैं शेल्टर बनाने की, बनता है और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अब अंकित आ चुका साथ में, अब बनाते हैं शेल्टर, देखते हैं कैसे बनता है। तरपाल पूरी खोल लेते हैं, तो काफ़ी बड़ी है वैसे, डबल करनी पड़ेगी, लेकिन नाराज का हिस्सा उधर फोल्ड से, या थोड़ी या फोल्ड करना, या फोल्ड कर दोनों दो ही से है इसके। पटवानी इसके ऊपर से एक हिस्सा चकवाने, फिर इसके ऊपर से इसके ऊपर से इसके ऊपर से इस हल्के से वहाँ चकवाने,
अरे वो लगा तेरे खींच थले खींच ऊपर कर ऊपर कर दे से यहाँ किनारा पकड़ थोड़ी ऊपर कर दे तू नहीं चक्का में नहीं होना ताकि वो गलनी बननी वो छोटी हो जानी फिर ऊपर देख लकड़ी देखी हूँ सीधी होती तो होती लकड़ी होनी है मैं कह रहा तुझे ये सारा थोड़ी ऊपर हो जाएगा फिर ये पीछे ये पूरी सीधी हो जाएगी तो दोस्तों फाइनली शेल्टर बन चुका है रात को रहने वास्ते पर ये नहीं पता कि रात को यहाँ तक अब तक रात को रुक पाएंगे या नहीं क्योंकि मौसम खराब हो रहा है बारिश का मौसम हो रहा है और मुश्किल लग रहा है कि मुझे अंकित कि हम यहाँ रात को रह पाएंगे क्योंकि बैठ सकते हैं इसके अंदर लेटना मुश्किल है क्योंकि सांप सूप निकल सकते हैं तो उसका डर लग रहा है बहुत कीड़े मकोड़े बहुत हो सकते हैं जंगल में तो डर लग रहा है जितना हो सकता है रहेंगे सर्वाइव करेंगे नहीं रह पाए तो बता देंगे आपको जैसा होता है एंड तक लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखना मुश्किल लग रहा है अब तो बैठ के देखते हैं एक बार इसमें तो दोस्तों बैठ चुके हैं और बहुत थक गए हैं हमारी हाल से पता लग रहा होगा सबसे ज़्यादा मुश्किल तो अंकित कोई वीडियो बनाने में मेरे साथ दोनों सर्वाइव करना मुश्किल है पूरी मतलब चार पांच बंदे होने चाहिए तो सर्वाइव कर सकते हैं हम अकेले नहीं कर सकते मतलब दो बंदे तो बिल्कुल नहीं कर सकते देख लिया मैंने तो भूख लग रही खा लेते हैं कुछ रात को रुकना है नहीं देखते हैं अभी पक्का कुछ नहीं है पानी भी खत्म होने वाला दोस्तों हम झरने पे गए थे वहां पानी भर के नहीं आए पर झरना गंदा था वहां पे पेड़ पौधों के पत्ते गिरे हुए थे और कुछ जानवर से भी ऐसे कुत्ता वो मतलब होते हैं इंसेक्ट वो मरे हुए थे तो हम पानी भर के ही लाए हेल्थ क्यों खराब करनी है अपनी इसलिए अरे यार लादे यार कल्ले कल्ले खाया सब ज्यादा मुश्किल हमें ये तरपाल लगाने में आई सारे हाथ भर के तरपाल के उससे झड़े पूरे कपड़े जब बरसात आ गई फिर रुक पाएंगे हम तरपाल में क्योंकि तरपाल अच्छी तरह बिछी नहीं ऊपर से सो तो नहीं सकते हम यहाँ बन सकते ना बैठ बैठ सकते हैं खल्ले इतना बैठ सकते हैं बैठते हैं अभी 6 बज चुके हैं और सुबह के 6 बजे तक सुबह के 6 या 5 बजे तक रुकना सुबह हमें देखिए सुबह 5 तक हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं मुश्किल लग रहा ना रात के बैठ सकते हैं पर हम 12 11 1 बजे तक बैठ सकते हैं हम वही मुश्किल है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा जो कमरी ना कर पाए घर चल जाएंगे अपने यहाँ सोएगा बस देखते रहो आपके लिए इतनी खतरनाक वीडियो बनाई मैंने बस जो चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वरना ना करता मैं और साथ में अंकित भी कर रहा मेरे कोई नहीं आया स्पेशल अंकित आ रहा मेरे साथ कि मैं करूँगा चैलेंज तो दोनों करेंगे अब रहना दोनों को है मतलब चैलेंज तो दोनों के लिए ही हो गया तो जैसा तो दिखाता रहूँगा आपको मैं दोस्तों टाइम बहुत हो चुका है 11:35 हो गए बरसात आ गई बरसात आ चुकी है अब मुश्किल लग रहा है कि चैलेंज होगा या नहीं तो गाइस डर लग रहा है चैलेंज होगा या नहीं देखो साउंड से अंदाजा लगा सकते अपनी बात की बारिश कितनी तेज आ चुकी है अब कहीं हमें पेड़ पूड़ के नीचे जाना पड़ेगा फटाफट या चैलेंज देखते हैं या सोचता है दिखाते हैं आपको बहुत डर लग रहा है टेंट का पता नहीं क्या होगा हमारे तो दोस्तों शेल्टर के अंदर खड़े तो हैं देखते हैं बारिश रुकती है नहीं डर लग रहा है जो ज़्यादा होगी तो पानी भर जाएगा नीचे फिर बैठ नहीं पाएंगे हम क्योंकि हम नीचे ग्राउंड में बैठे हैं कुछ बिछा के और दोनों खड़े में और अंकित तो
मुश्किल हो रही है, देखते जैसा होगा दिखाते हैं आपको। और सुबह 5 बजे तक हमारा चैलेंज चलेगा कि हम सुबह 5 बजे तक सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं मुश्किल लग रहा अब तो। बरसात ऐसे कम होगी और तेज होगी तो मुश्किल हो जाएगा, बस चैलेंज कम्प्लीट करके रहना। मैंने और अंकित ने जैसा होगा दिखाएंगे जरूर आपको, पर जैसा होता है दिखाते हैं। और डर भी लग रहा है क्योंकि बरसात होगी, अब सांप सूप कुछ भी निकल सकता है, इंसेक्ट कोई भी, डर तो है। गीला हो चुका मैं पूरा, हाँ देख सकते हैं मेरा। और बरसात पूरी तेज आ रही है इस टाइम, पेड़ के नीचे खड़ा तो पता नहीं लग रहा, और शेल्टर के अंदर है इसलिए अभी बंद करता हूँ कैमरा कि गीला ना हो जाए, फिर चैनल तो बिल्कुल वीडियो बन नहीं पाएगी। दोस्तों अब मैं घर आ चुका हूँ और बहुत थक गए थे, और एक तो बारिश पूरी तेज हो चुकी, रात के 1:15 हो गए और इतनी बरसात हो गई थी, ऊपर से जंगलों से नीचे आए क्योंकि जानवर भी आ सकते हैं और सांप सूप कोई इंसेक्ट मिल सकता है, तो डर के कारण नीचे आ गए। अंकित तो मैंने सोचा कि चैलेंज कम्प्लीट करते, अपनी जान अपनी हेल्थ पहले है, तो हम नीचे आ गए फटाफट और अब घर पहुँचे हैं। बहुत घबराहट भी हो रही है, हार्ट बीटिंग तेज हो रही ना कि डर लग रहा है। अब एंड करते हैं वीडियो को, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और बेस्ट पार्ट बता देना कौन सा लगा, और जो चैनल बना चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को भी एंड करते हैं, बाय बाय, जय श्री राम।